हाय दोस्तों, तो Xiaomi Mi 10 आज लॉन्च हो गया है और बाकी सब तो देखो हमें पता ही था। इंडियन प्राइसिंग बस हमें आज पता चल गई है। लॉकडाउन खत्म होते ही फोन मेरे पास आ जाएगा, उस टाइम आपके लिए इन डेप्थ कंपैरिजन सारे में ले आऊंगा। बट अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे इनिशियल थॉट्स क्या है, ओवर प्राइज है ये फोन या फिर नहीं, और Realme का जो फ्लैगशिप है Realme X50 Pro उससे कैसे कंपेयर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखो आजकल जितने भी फोन लॉन्च होते हैं उनकी अगर आप स्पेक शीट्स देखोगे तो सारे अच्छे ही होते हैं, बट मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए ये देखना कि कंपटीशन से बेटर है या खराब है। अगर मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं तो क्यों दूं, कम पैसे में मुझे कुछ मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। और Xiaomi Mi 10 के तो अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, Realme X50 Pro है, OnePlus 8 सीरीज है, Galaxy S20 सीरीज है, तो इस वीडियो में इसको कंपेयर करेंगे Realme X50 Pro से। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। Mi 10 की इंडियन प्राइसिंग स्टार्ट है 50,000 रुपए से 8GB 128GB मॉडल के लिए, और 8256 मॉडल अगर आप लोगे तो वो आपको 55,000 का पड़ेगा। अब Realme X50 Pro की बात करें तो उसका 8GB 128GB मॉडल आपको 42,000 में मिल जाएगा। अब अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो X50 Pro का एक और मॉडल आप खरीद सकते हो, 6GB 128GB मॉडल, और ये आपको 40,000 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब अगर आप स्टार्टिंग प्राइसेस देखोगे तो 10,000 रुपए का डिफरेंस है, और अगर हम 8GB 128GB मॉडल कंपेयर करें दोनों फोन्स का तब भी 8,000 रुपए का डिफरेंस है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई ये 8,000 रुपए एक्स्ट्रा वर्थ इट है Xiaomi Mi 10 या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से, और ये देखो मोस्टली एक सब्जेक्टिव चीज होती है, और यहाँ पे दोनों ही फोन्स पे आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिल रही है। अगर आप साइज वेट वगैरह देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम लेवल का है दोनों फोन्स का। दोनों फोन्स पे आपको आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है। Realme X50 Pro का डिजाइन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, काफी अच्छा लगता है, फ्रॉस्टेड बैक फिनिश। मैंने जब Realme X50 Pro का रिव्यू किया था तो मैंने उसमें बस एक चीज बोली थी कि थोड़ा सा आपको बल्कि ये ज्यादा लगेगा, और वो चीज मुझे लगता है Xiaomi Mi 10 में थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको एजेस कर्व्ड मिल रही है तो साइज उतनी मोटी फील नहीं होती है, और ये बाकी भी कई कर्व स्क्रीन फोन्स के साथ हम देख चुके हैं। पर्सनली मुझे Xiaomi Mi 10 का डिजाइन थोड़ा सा बेटर लग रहा है Realme X50 Pro से, बट अगेन ये एकदम पर्सनल चॉइस है, हो सकता है आपको X50 Pro का डिजाइन अच्छा लगे, तो यहाँ पे मैं कुछ भी बेनिफिट नहीं दूंगा किसी फोन को। एक चीज Xiaomi Mi 10 के पास जो एक्स्ट्रा आपको मिल रही है कि आपको इंफ्रारेड ब्लास्टर मिल रहा है। अगली चीज डिस्प्ले पे आ जाते हैं, दोनों फोन्स पे AMOLED स्क्रीन है, दोनों फोन्स पे फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है। अब X50 Pro की स्क्रीन में पर्सनली यूज कर चुका हूं, काफी अच्छी स्क्रीन है, ब्राइट है, पंची है, बट जो स्पेक्स Xiaomi ने आज दिखाए थे स्क्रीन के बारे में उससे एटलीस्ट ऑन पेपर मुझे लग रहा है कि Mi 10 की स्क्रीन थोड़ी सी बेटर होगी। ब्राइटनेस लेवल्स भी थोड़े ज्यादा थे, कलर एक्यूरेसी भी थोड़ी ज्यादा थी, बाकी तो हम जब दोनों फोन्स को साइड बाय साइड रखेंगे तो ही पता चलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे, तो यहाँ पे तो एक्चुअली कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों फोन में सेम प्रोसेसर है Snapdragon 865, दोनों फोन में LPDDR5 RAM आपको मिल रही है, दोनों फोन में UFS 3 स्टोरेज आपको मिल जाती है। X50 Pro की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेस्ट कर चुके हैं, लिंक आपको यहाँ ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। Mi 10 से भी मैं एकदम सेम लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, दोनों फोन्स पे Android 10 है, और Xiaomi ने यार सरप्राइजिंगली बिल्कुल भी बात नहीं करी आज के लॉन्च में सॉफ्टवेयर की। बट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक Android वगैरह मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आएगा यहाँ पे MIUI ही, और यहाँ पे क्लीन वर्जन ऑफ MIUI आपको मिलेगा। बेसिकली जो बजट फोन्स पे आपको एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं Xiaomi के, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। पर X50 Pro के Realme UI में भी आपको वो एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं जो आपको Realme के बजट फोन में देखने को मिलते हैं। तो दोनों भी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी कंपेरेबल सा है, अब ये एकदम पर्सनल चॉइस है आपको किसका बेटर लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैटरी पे, तो यहाँ पे आपको पहला क्लियर बेनिफिट दिखेगा Mi 10 के पास, काफी बड़ी बैटरी है 4700 mAh की। Realme X50 Pro पे भी वैसे अच्छी खासी बैटरी लाइफ हमें मिलती है, बट Mi 10 डेफिनेटली बहुत बेटर करने वाला है उससे। बैटरी लाइफ थोड़ी बेटर होगी बट बैटरी चार्जिंग स्पीड यहाँ पे थोड़ी स्लो है, 30W फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ मिल रही है। Realme X50 Pro पे 65W चार्जिंग आपको मिलती है, बैटरी टेस्ट आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। तो Realme X50 Pro तो 0-100 40 मिनट के अराउंड हो जाता है, Mi 10 मेरे हिसाब से 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट लगना चाहिए। पर यहाँ पे एक और एडवांटेज है Mi 10 के पास कि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है जो Realme X50 Pro से गायब है, और वायरलेस चार्जिंग भी 30W तक की सपोर्ट करता है ये, और एक फास्ट वायरलेस चार्जर भी आज Xiaomi ने अनाउंस कर दिया है इसके साथ साथ। फाइनल चीज आ जाती है कैमरा, दोनों फोन पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। Realme X50 Pro का तो कैमरा टेस्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, पूरा डिटेल आपको देखना है तो आपको कार्ड में लिंक मिल जाएगा। Mi 10 के कैमरा की हाईलाइट जो है कि 108 मेगापिक्सल का
आपको प्राइमरी कैमरा मिल रहा है और यहाँ पे आपको OIS भी मिल जाता है। Realme X50 Pro में OIS भी आपको नहीं मिलता है और प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल है। तो आई थिंक प्राइमरी कैमरा परफॉर्मेंस में क्लियर एज होने वाली है Mi 10 के पास। Realme X50 Pro में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें मिलता है, सेम कैमरा है जो आपको Realme के बजट फोन में भी देखने को मिलता है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है। Mi 10 में मुझे एटलीस्ट ऑन पेपर ऐसा लग रहा है कि सेम वाइड एंगल लेंस है जो Redmi K20 सीरीज में थी, तो मुझे लगता है वाइड एंगल परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी बेटर होगी। पर एक चीज जो मिसिंग है Mi 10 के कैमरा सेटअप से कि यहाँ पे कोई टेलीफोटो लेंस आपको नहीं मिल रहा है। डेडिकेटेड एक मैक्रो सेंसर दे दिया है Xiaomi ने जो कि सिर्फ 2 मेगापिक्सल का है और मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे मैक्रो सेंसर मिलना चाहिए था। Redmi Note 9 सीरीज पे भी हमें 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मिलता है। ये चीज Realme X50 Pro के पास एडवांटेज है कि डेडिकेटेड एक टेलीफोटो लेंस आपको मिल रही है। वैसे इससे उतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 2x टेलीफोटो लेंस है और Mi 10 के 108 मेगापिक्सल सेंसर से भी आप आराम से 2x 4x तक तो क्रॉप कर ही पाओगे फोटोज को। अब इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़े से एडवांटेजेस हैं Mi 10 के पास। OIS एक तो आपको मिल रहा है तो काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगी आपकी वीडियो। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। और फाइनली सेल्फीज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आई थिंक X50 Pro के पास थोड़ा सा एडवांटेज है। प्राइमरी सेल्फी कैमरा भी यहाँ पे बेटर है और साथ ही साथ आपको एक वाइड एंगल सेल्फी कैमरा भी मिल रहा है। अब इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, दोनों फोन में आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं बट Mi 10 में सिमेट्रिकल सेटअप आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि ईयरपीस ही दूसरे स्पीकर का काम कर रहा है, अलग से एक सेकंड स्पीकर डाला है Xiaomi ने ऊपर की तरफ। तो ऑडियो परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से थोड़ी बेटर आपको मिलनी चाहिए Mi 10 पे। ओवरऑल समरी की बात करें, क्या क्या चीजें आपको बेटर मिल रही हैं Mi 10 में। डिजाइन आप कह सकते हो थोड़ा सा बेटर है क्योंकि आपको कर्व्ड एजेस मिल रही हैं। डिस्प्ले क्वालिटी शायद थोड़ी सी बेटर होगी। बैटरी साइज यहाँ पे थोड़ा बड़ा है। मेन कैमरा की परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होने वाली है। वाइड एंगल कैमरा परफॉर्मेंस बेटर होने वाली है। वीडियो रिकॉर्डिंग में इसके पास थोड़ा सा एज हो सकता है। इसके अलावा बैटरी लाइफ आपको बेटर मिल जाएगी। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आपको मिल रहा है और एक इंफ्रारेड ब्लास्टर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। किन चीजों में Realme X50 Pro से पीछे रह जाता है? यहाँ पे आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं मिल रही है, सेल्फी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा और वाइड एंगल सेल्फी कैमरा भी आपको नहीं मिल रहा है। चार्जिंग स्पीड Realme X50 Pro में बहुत ज्यादा बेटर है और प्राइस आपको X50 Pro पे बेटर मिल रहा है ऑब्वियसली। तो ये यार समरी है। अगर आप देखोगे कि ऐसी क्या चीज आपको एक्स्ट्रा मिल रही है Mi 10 पे, तो बस एक इंफ्रारेड ब्लास्टर आपको मिल रहा है और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल रहा है। अब उसके अलावा कुछ चीजें बेटर खराब हो सकती हैं दोनों फोन्स में। इन चीजों के लिए 8000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना वर्थ इट है नहीं, ये बहुत ज्यादा आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। देखो वायरलेस चार्जिंग एक बहुत बड़ा फीचर है बट वो कितना यूजफुल है ये सब लोग के लिए अलग अलग डिपेंड करता है। मुझे पर्सनली वायरलेस चार्जिंग उतना यूजफुल नहीं लगता है क्योंकि वायरलेस चार्जिंग करते वक्त आप फोन को यूज नहीं कर सकते हो। तो मुद्दा यहाँ पे मेनली प्राइसिंग का रह जाता है। अब Mi 10 की प्राइसिंग इतनी हाई क्यों रखी है Xiaomi ने? पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि ये पहला फोन है जो लॉन्च हुआ है GST प्राइस हाइक के बाद। 2-3 हजार तो उसी चीज के एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो Xiaomi Mi 10 फोन है इसको इंपोर्ट करा रही है Xiaomi इंडिया में। अभी मोस्टली जितने फोन हैं जो इंडिया में बिकते हैं ज्यादातर की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली इंडिया में ही हो रही होती है, तो इसलिए उनका प्राइस थोड़ा और बेटर रख पाती है कंपनीज। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करा के इंडिया में बेचना चाहते हो तो आपको उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है और उसकी वजह से जो एक्चुअल प्राइस है उस पर और एक्स्ट्रा पैसे Xiaomi को देने पड़ रहे हैं। ये सब चीज मिला के बेसिकली 50,000 का ये हमारे देश में आएगा। अब 50,000 के लिए भी वैसे पैकेज बुरा नहीं है। आपको एकदम फ्लैगशिप डिजाइन मिल रहा है, फ्लैगशिप डिस्प्ले मिल रही है, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिल रही है, फ्लैगशिप कैमरा, फ्लैगशिप बैटरी, सब चीज अच्छी मिल रही है। पर 8,000 रुपए एक्स्ट्रा वर्थ इट है या नहीं Realme X50 Pro के ऊपर, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप किस लिए फोन ले रहे हो। अगर आपको बस एक अच्छा ऑलराउंड पैकेज चाहिए फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ, Realme X50 Pro आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। पर अगर आपको थोड़ा वो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस, अनोखा एक्सपीरियंस चाहिए, कर्व्ड स्क्रीन वाला फोन आप यूज कर रहे हो, 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा आपके पास है, वायरलेस चार्जिंग आपको चाहिए और सैमसंग के फोन पे आप खर्चा नहीं करना चाहते हो 70,000-80,000, तो फिर Mi 10 उस केस में एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। मुझे लगता है Xiaomi अगर इसका प्राइस 45,000 रख देता तो ये बहुत ही दमदार पैकेज बन जाता, क्योंकि 50,000 अभी प्राइस रखा है और अगर आप एक ओवरऑल कंप्लीट फ्लैगशिप देख रहे हो, बस 5,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के आपको OnePlus 8 Pro भी मिल जाएगा जिसमें आपको ये सारे फीचर मिलेंगे, थोड़ी चीजें बेटर भी मिल जाएंगी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, QHD रेजोल्यूशन की स्क्रीन, प्लस वो फोन IP68 वाटर प्रूफ भी है, तो थोड़ी ज्यादा संतुष्टि आपको मन को रहेगी। आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए थी? X50 Pro से बेटर ऑप्शन है या नहीं? और OnePlus 8 सीरीज से आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।